पहली जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। दोस्तों, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्र सचिव के खिलाफ एक समुदाय के खिलाफ उनके विवादित बयान के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ पुलिस ने साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे के खिलाफ विभिन्न गुटों में रंजिश को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। साध्वी द्वारा लगातार मुस्लिम समुदाय के लिए विवादित टिप्पणी करती रहती हैं। आप इसके वीडियो को भी देख सकते हैं कि कैसे ये साध्वी नफरत फैला रही हैं। क्या कोई साध्वी इस तरह से नफरत फैला सकती है? आप भी समझ सकते हैं कि किस कदर ये ढोंगी साध्वी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का काम कर रही है, जिसका वीडियो देखिए आप। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन फेमिनिस्ता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती, पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। इस वीडियो को आलिशान जाफरी ने शेयर करते हुए लिखा, वो प्रशासन से मस्जिदों को गिराने, जुम्मे की नमाज में मुस्लिमों के प्रवेश को सीमित करने, इमामों को NSA के तहत बुक करने के लिए कह रही है। ये कुत्ता सिटी कैसे ठीक है? शुक्रवार प्रार्थना का दिन नहीं बल्कि आतंकवाद का दिन है। हिंदू महासभा के नेता और हरिद्वार के अभद्र भाषा के आरोपी पूजा शकुन पांडे ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 100 आतंकियों से 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार करने का आह्वान किया था। अब पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इन ढोंगी संतों पर कई बार मामले दर्ज हो चुके हैं। कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ ये जहर फैला चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? दोस्तों, अब ये इतनी गिरती जा रही हैं कि अब ऐसी घटिया हरकत पर उतर आई हैं। अन्नपूर्ण भारती उर्फ डॉक्टर पूजा शकुन पांडे की अगुवाई में खून से लिखा खत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के रूप में ACM को सौंपा गया। इसमें कानपुर की ताजा घटना सहित आजादी से पहले और बाद की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए जुमे की नमाज पर प्रतिबंध की मांग उठाई गई है। इस दौरान उनके कार्यालय में लगे पैम्पलेटों व मीडिया को दिए बयानों में जुमे नमाज को लेकर विवादित बातें कही गई हैं। अब इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जिले में धारा 144 लागू है, जिसके तहत नियम विरुद्ध भीड़ एकत्रित करने, बिना अनुमति कार्यक्रम करने, समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बयानबाजी प्रतिबंधित है। इसके बावजूद उनके द्वारा मीडिया के सामने आपत्तिजनक बयानबाजी की गई और सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया। इससे अलीगढ़ जैसे संवेदनशील जिले में सद्भावना बिगड़ने का खतरा और विभिन्न समुदायों के बीच विवाद होने का खतरा रहता है। नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर जवाब दे, अन्यथा क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आलिशान जाफरी आगे ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भारतीय मीडिया ने कोई सबक नहीं सीखा और शून्य आत्मनिरीक्षण नहीं किया। गोदी मीडिया अब कूटनीतिक आपदा को हथियार बना रहा है, क्योंकि वैश्विक मुस्लिम समुदाय गरीब हिंदू और हिंदू हृदय सम्राट पर गैंगरेप कर रहा है। कुदोस इंडिया टुडे फ्रेंड्स के लिए एक सही प्रतिस्थापन खोजने के लिए पूजा शकुन पांडे, जो खुद को लेडी गोड से कहती हैं, उन्होंने गांधी जी के पुतले पर 3 गोलियां चलाई, 2 मिलियन मुसलमानों की सामूहिक हत्या के लिए 100 आतंकियों को उकसाया और अभद्र भाषा के मामले में दर्ज किया गया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।